इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। श्याम शिवाजी राव लोही, ऐसा लगता है ना आपको कि नायक पिक्चर का कोई सीन चल रहा हो, नायक पिक्चर्स में कोई नाम हो वो चल रहा हो। ये श्याम शिवाजी राव लोही जो है वो भी एक डायलॉग की तरह हर महीने हर हफ्ते कहीं ना कहीं सुनाई देते हैं सोशल मीडिया पर जरूरी। उसका रीजन ये है कि श्याम शिवाजी राव लोही जो है वो जलगांव के आरटीओ अधिकारी है और उनके खिलाफ लगातार उनके चाहने वाले जो हैं वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर किया ही करते हैं। उनकी शिकायत तो इतनी है लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। अब ये समझ में नहीं आता है कि एक श्याम शिवाजी राव लोही जो आरटीओ अधिकारी है, एक अधिकारी है, वो अपने ऊपर के लोगों को, बाकी वरिष्ठों को, मुख्यमंत्री तक उनकी शिकायत हुई, उनको कैसे मैनेज कर लेता है। क्या रीज़न है कि श्याम शिवाजी राव लोही जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, बार बार शिकायत हो रही है तो ऐसा अगर आदमी, ये अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचारी है, पाखंडी है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही है तो क्या कारण है? अभी हाल ही में सुल्तान बिन मिर्जा जो हैं उन्होंने चुनाव आयोग के पास शिकायत की है कि सभी की तबादला होता है, श्याम शिवाजी राव लोही का तबादला नहीं होता है, तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की गई है कि इनका तबादला कर दो। देखना है अब कहीं चुनाव आयोग को तो श्याम शिवाजी राव लोही नहीं मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अगर बदली नहीं हुई तो हो सकता है ना ऐसा कुछ कि वरिष्ठ जो है वो जिस तरीके से इनके फेवर में काम करते हैं इस तरीके से चुनाव आयोग भी काम करता हो। इस संबंध में जब श्याम शिवाजी राव लोही इनसे बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद बदली के लिए तैयार हूँ, मैं तो अपने रिक्वेस्ट लेटर दे रखा हूँ कि मैं मेरी बदली कर दो। और चुनाव आयोग जो बदलियां करता है या चुनाव के समय में जो बदली होती है वो बदली महसूल विभाग में होती है, पुलिस विभाग में होती है, इन विभागों में होती है, चुनाव से डायरेक्ट आरटीओ विभाग का कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए वहां पर तबादला चुनाव आयोग करेगा ऐसा उनको नहीं लगता है। फिर भी पता नहीं कब क्या हो जाए। फिलहाल तो श्याम शिवाजी राव लोही जो हैं वो जलगांव में ही हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो जलगांव से चले जाएं, यहां से जाएं और काफ़ी सारी चीज़ें जो बंद है वो फिर से शुरू हो जाए, वो लगातार शिकायतें करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। कार्यवाही कब होगी ये सिर्फ देखना है। जय। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।